दीपावली को लेकर हेरिटेज स्कूल भिलाई में भारतीय संस्कृति से अवगत कराने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के डायरेक्टर ब्रिजमोहन उपाध्याय ने किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अबीर गुलाल के साथ कलात्मक भाव प्रदर्शित करते हुए रंगोली के विविध स्वरूपों को प्रदर्शित किया। प्राकृतिक और चटकीले रंगों से बनाई गई रंगोली आकर्षक शोभा बढ़ाती रही। विद्यार्थियों द्वारा उकेरे गए रंगोली की खूबसूरत कलाकारी को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बताया गया कि ये रोशनी और स्वच्छता का महापर्व है। अपने आसपास सफाई कर रंग बिरंगी रंगोलियों से सजाकर ही दीपावली मनानी चाहिए। क्योंकि नाम हेरिटेज है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति हमारी धरोहर हेरिटेज को चरितार्थ करते हुए उसको आगे बढ़े। तो उसी दरमियान हमने आज दीपावली के शुभ अवसर पर बच्चों द्वारा आज कंपटीशन रखा था, रंगोली प्रतियोगिता, जिसमें अलग अलग ढंग से बच्चे लोग रंगोली बनाए हैं, जो शायद आपने शूट भी किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कृति से जुड़े हुए हमारे धरोहर हमारे अग्रज श्री राम जी के द्वारा जो पूजा अर्चना दीपावली में की जाती है उसमें बच्चे लोग संस्कृति से जुड़े और देश हित में राष्ट्र हित में कार्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को जन जन तक पहुंचने वालों को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राम, जय राम, जय जय। उत्तर भारतीयों का त्यौहार छठ पर्व भी आने वाला है, दीपावली के बाद का छठ पर्व, एकादशी पर्व जिसको देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। तो साथ ही साथ में दोनों पर्व का भी जो उपास रहती है माताएं उनको भी उनका आत्मबल बढ़े, भगवान आदित्य नारायण के कृपा पात्र बने रहें और सभी देवताओं के देवी देवताओं का कृपा बरसती रहे बनी रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। हमने रंगोली बनाई है और मैंने महादेव जी की रंगोली बनाई है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। स्कूल में ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है तो हमें अच्छा लगता है और ऐसे पार्टिसिपेट भी करना बहुत अच्छा लगता है। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमें न्यू क्वेश्चंस देखने मिले अलग अलग तरीके से, जिसमें हमें 10th बोर्ड में देने में आसानी होगी एग्जाम। माय एफएम और सचदेवा का आभार बहुत ही अच्छा था।